अनुजा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है टॉप 10 का, तो चलिए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। एनसीबी ने जारी की 38 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। साइक्लोन दाना का दिखा असर, ओडिशा में जगन्नाथ मंदिर और कोणार्क टेम्पल को किया गया बंद। एकनाथ शिंदे बोले, हमारी सरकार आम लोगों की है, महाराष्ट्र की जनता महायुति को चुनाव जिताएगी। प्रियंका गांधी ने वायनाड से किया नामांकन। एमबीए में खींचतान के बीच संजय राउत ने महाराष्ट्र की 100 सीटों पर ठोका दावा। बारामती से चुनाव लड़ेंगे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। हरियाणा में सरकारी कर्मचारियों को मिला दिवाली का तोहफा, सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाया, साथ ही पेंशन धारकों को भी मिलेगा लाभ। जेएमएम ने जारी की दूसरी लिस्ट, रांची से चुनाव लड़ेंगी राज्यसभा सांसद महुआ मांझी। कन्नौज में 10 साल की बच्ची के साथ हुआ रेप, पुलिस ने 40 वर्षीय आरोपी को किया गिरफ्तार। ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी का बयान, बोले विभाजनकारी नहीं जनहितकारी है ब्रिक्स। फिलहाल के लिए टॉप 10 न्यूज में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।